तो हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले रूस के शहर उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच 55 मिनट तक चली बातचीत खत्म हो गई है और इस बातचीत में कौन कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा हुई ये तो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की जो स्थिति है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से खराब होती रही है। जैसा कि आज रूस के शहर उफा में दोनों देशों के प्रमुखों को आपस में बातचीत करनी थी, लेकिन आज सुबह ही पाकिस्तान की तरफ से बारामूला में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया और इस दौरान एक जवान, भारतीय जवान, सेना का जवान शहीद हो गया। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान का बार बार दोहरा चेहरा सामने आता है। एक तरफ पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शांति प्रस्ताव रखते हैं, विश्वास बहाली के वादे किए जाते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दूसरा चेहरा नियंत्रण रेखा पर नजर आता है जहां बार बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर विश्वास बहाली होने ही नहीं देता।